वेलकम टू सूत्र। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो नवविवाहित पति पत्नी होते हैं उनको आपस में किस तरीके से बातचीत चालू करनी चाहिए। अब इसके बाद बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा कुछ आगे जाता है। तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा शारीरिक कामों की तरफ आ जाते हैं वहाँ पे। तो पति को चाहिए कि पत्नी के स्तनों की घुंडियों को प्यार से स्पर्श करे, और अगर पत्नी स्तनों को स्पर्श करने से रोकती है तो उसे बोलना चाहिए कि तुम मेरे शरीर को स्पर्श या आलिंगन करो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद पत्नी का आलिंगन करें और अपने हाथों को स्तनों से सहलाते हुए नाभि के नीचे तक फैलाएं और फिर हटा लें। इसके बाद पत्नी को अपनी गोद में बैठने को कहें और फिर धीरे धीरे आगे की क्रिया करें। यदि पत्नी गोद में बैठने या यह सब करने से मना करे तो उसे बातों से भयभीत कर देना चाहिए। पत्नी जब छेड़छाड़ या अंगों को स्पर्श करने से मना करे तो उससे कहे कि मैं तुम्हारे होठों पर दांतों से निशान बना दूंगा, स्तनों पर नाखून गड़ा दूंगा, अपने अंगों में स्वयं नाखून लगाकर तेरी सहेलियों से कहूंगा कि तुम्हारी सहेली ने ये घाव कर दिए हैं, तब बता तुम क्या करोगी। इस तरह की बच्चों की तरह डरा धमकाकर धीरे धीरे पत्नी को मनचाहे काम में लगा ले। इस तरह पहली रात में पति को अपने पत्नी के मन में विश्वास बनाना चाहिए और फिर दूसरी तीसरी रात उसकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर देना चाहिए। जांघ पर हाथ फेरने पर जब स्त्री कुछ ना बोले तो धीरे धीरे सभी अंगों को सहलाना चाहिए और फिर चुंबन करना चाहिए। जब पत्नी स्पर्श से आनंद महसूस करने लगे तो धीरे धीरे जांघों के ऊपर हाथ रखकर हाथ फेरना चालू कर दे। जांघों के ऊपर हाथ रखकर ऊपर नीचे हाथों से सहलाने के बाद जांघों के बीच में जोड़ में हाथ ले आए। कभी पत्नी ऐसा करने से रोके तो कहें कि ऐसा करने में क्या जाता है। जांघों को सहलाने के साथ ही आलिंगन और चुंबन करते हुए उसे बेचैन कर देना चाहिए। बीच बीच में सहलाना बंद कर देना चाहिए। जब जांघों को सहलाते हुए स्त्री किसी तरह का निषेध ना करे तो उसमें रुचि लेने लगे तब आहिस्ता से उसके गुप्तांग तक हाथ पहुंचा देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं पत्नी पर अपना प्रेम और विश्वास जमाने के लिए की जानी चाहिए, ना कि उन छुल कामातुर बनकर भोग करने के समय स्त्री की खुशी का ख्याल करते हुए असमय में ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए। पति को चाहिए कि जब उसकी नई नई शादी हो तो पत्नी के साथ इस तरह की बातें करे कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं, इस तरह का विश्वास दिलाना चाहिए। तो इस विषय पर प्राचीन आचार्यों का कहना है कि जो व्यक्ति विवाह के पहले 3 रातों में अपनी पत्नी के मन को जानकर अपने प्रेम बंधन में बांध लेता है और अपना पूरा विश्वास बना लेता है तो शुरू से ही पत्नी अनुगामिनी बनकर उसकी सेवा करती है। पुरुषों को चाहिए कि स्त्री को न तो अधिक कृतिदास बनाकर और न ही अधिक प्रतिकूल होकर स्त्री को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि अधिक निर्मल व्यवहार करने से स्त्री अपने आप को उच्च समझ बैठती है और अधिक सख्त व्यवहार करने से वह जीवन भर डरी सी रहती है। तो जो समझदार पुरुष होते हैं वो इन दोनों में से बीच का रास्ता अपनाते हैं। जो पति पत्नी का सम्मान करता है और नवविवाहित स्त्री से अपना यकीन बनवाता है और इन सभी चीजों का ध्यान रखता है वह स्त्रियों का प्रिय होता है। नवविवाहित पुरुष यदि अपनी स्त्री को शर्मीली समझने की भूल करता है तो वह स्त्री के द्वारा सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं होता। नवविवाहित पति पत्नी के बीच विश्वास और प्यार का संबंध बनाए बिना या मनोभावों को समझे बिना ही यदि संभोग करने की कोशिश करता है तो वह स्त्री के भय, क्रोध और ईर्ष्या देश का पात्र बन जाता है। पति का प्रेम न पाकर पत्नी जलन और घृणा से भर जाती है, फिर तो वह या तो अपने पति की विद्रोही बन जाती है या फिर किसी पराये पुरुष के साथ फंस जाती है। आचार्य वत्सन जी का मानना है कि मनोविज्ञान सम्मत है कि शादी के बाद नई दुल्हन को जब तक भली प्रकार आश्वस्त तथा विश्वास्त न कर लिया जाए तब तक संभोग करने के लायक नहीं होती। इसलिए आचार्यों ने कन्या विश्रम्भरण प्रकरण लिखकर अपने बुनियादी विचारों को धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र और लोकशास्त्र का आधार लेकर पल्लवित किया है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, कल से नया अध्याय चालू हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।